लाल किला गवाह है भारत में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं का। इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं में दो ऐतिहासिक मुकदमे भी हैं जो इसी किले में चलाए गए, जिनके राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के कारण भारत की राजनीतिक दिशा बदल गई। सन 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद लाल किले में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें देश निकाले की सजा दी गई और एक शायर बादशाह देश में दफन होने के लिए तरस गया। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण मुकदमा सन 1945 में चलाया गया, जिसे इतिहास आजाद हिंद फौज के मुकदमे के नाम से जानता है। यह मुकदमा चला था आजाद हिंद फौज के चुने हुए 3 अफसर शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल पर। पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी INA अर्थात आजाद हिंद फौज का संचालन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योग्य और प्रेरणादायक हाथों में था। नेताजी के संचालन में शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल आजाद हिंद फौज के बहादुर अफसर थे और उनका एक ही उद्देश्य था, भारत में विदेशी शासन पर आक्रमण करना और देश को आजाद कराना। सन 1945 के मध्य में जापान में हिरोशिमा पर एटम बम गिरने के बाद ध्रुवीय सेनाओं का प्रतिरोध बिखर गया। जापानी सेना ने हथियार डाल दिए और उसके साथ आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अफसरों ने भी समर्पण कर दिया। 18 अगस्त 1945 को एक वायु दुर्घटना में नेताजी कहीं खो गए और आजाद हिंद फौज का इतिहास ही बदल गया। आजाद हिंद फौज के अनेक अफसरों और सैनिकों को बंदी बना लिया गया, कुछ को मार डाला गया, कुछ को कड़ी सजाएं दी गईं और अधिकांश अन्य अधिकारियों और सैनिकों को भारत लाया गया। अंग्रेज सरकार उनसे देशद्रोहियों की तरह बर्ताव करना चाहती थी। ऐसे हालात में शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल सोच में डूबे हुए थे कि क्या किया जाए। अपनी मौत चुनने के लिए मेरी नजर में 3 रास्ते हैं। एक तो ये कि हम खुदकुशी कर लें, लेकिन हिंदुस्तानी वीर सिपाही इतना बुजदिल नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि हम बंदूकें लेकर अपने दुश्मनों पर कूद पड़े और अपने साथ उन्हें भी ले मरे। और तीसरा रास्ता ये है दोस्तों, हम अंग्रेजों को मौका दें कि वो हमें पकड़ लें, ताकि कोर्ट मार्शल के लिए वो हमारे मुल्क भारत लेके जाएं। गल तो ठीक है शाहनवाज, पहले और दूसरे रास्ते से तो मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, तीसरा रास्ता हमारे लिए ना सही, मगर देश के लिए तो फायदेमंद होगा ही होगा। ढिल्लों की बात तो ठीक लगती है, मरना तो हम है ही, यहां मरें या कोर्ट मार्शल के बाद। अंग्रेज हमारा कोर्ट मार्शल जरूर करेंगे ताकि आजाद हिंद फौज को बदनाम कर सके, मगर इससे हमें सफाई देने का मौका जरूर मिलेगा। और फिर हुक्म होगा सजाए मौत। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त दोस्तों, लेकिन हमारी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। इस तरह तमाम हिंदुस्तान में उनकी दरिंदगी और उनके नापाक इरादों के खिलाफ नफरत की आग फैल जाएगी। राइट, लेट अस सरेंडर।
और इस तरह आजाद हिंद फौज के अफसरों को बंदी बनाकर भारत लाया गया और दिल्ली के लाल किले में इसी बैरक को जेल बनाकर रख दिया गया। अंग्रेजों के डर से जनता द्वारा इस विषय पर बात करना खतरनाक था, परंतु 20 अगस्त 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य में कहा कि आजाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों के साथ अंग्रेजों का कठोर व्यवहार अनुचित है, क्योंकि शीघ्र ही भारत में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। नेहरू जी के इस वक्तव्य ने आजाद हिंद फौज को भारत में एक चर्चा का विषय बना दिया। करीम भाई गायब हो गया। करीम भाई देश के सबूतों को जेल में डाल दिया। करीम भाई जग्गू अंग्रेज हमारे वीरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जग्गू अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। हाँ जग्गू हाँ। उधर अंग्रेज सरकार ने फैसला किया कि दुनिया की नजरों में आजाद हिंद फौज को जघन्य अपराधी साबित करने के लिए लाल किले में एक मुकदमा चलाया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक उच्च स्तरीय बचाव समिति का गठन किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली जैसे प्रसिद्ध वकीलों को रखा गया। दोस्तों, आप सब इस देश के जाने माने वकील हैं और कानून को अच्छी तरह समझते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हम सबको आजाद हिंद फौज के अफसरों पर चल रहे मुकदमे की पैरवी के लिए चुना है। लाल किले के अंदर चल रहे मुकदमे की हार जीत का फैसला केवल उन मुलजमिन तक महदूद नहीं है। यह हार जीत का फैसला अंग्रेजी सरकार और भारत की जनता की हार जीत का फैसला है। हमें उन अफसरों पर लगे आरोपों को गलत साबित करना है, इसलिए मेरा यह मशवरा है कि इस मुकदमे के दौरान हम आपस में मिलते रहें, सलाह मशवरा करते रहें और कोर्ट में जरूर मौजूद रहें। पंडित जी, हमें आपसे एक बात कहनी है। इन अंग्रेजों ने हमारे 3 अफसरों को चुना, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख। मुझे तो लगता है पंडित जी, ये हमारी एकता को भंग करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है पंडित जी, इससे अपने देश की एकता और मजबूत हुई है। मेरे विचार से इस मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई साहब करें। मुकदमा चलाने के लिए लाल किले के भीतर बने इस भवन में अदालत का कमरा तैयार किया गया, जिसकी झांकी पुतलों के रूप में आज भी देखी जा सकती है। Order. Okay, the trial now. Now the trial is in progress. Mr. Watts, will you please start the proceedings of framing the charges, please? आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। थैंक यू योर लॉर्डशिप। सबसे पहला हम गुनाहगार का नाम और उसका औहदे से पुकारेगा, और जिस जिस का नाम पुकारेगा वो अपनी जगह से खड़ा हो जाएगा और फिर बैठ जाएगा। सर, सबसे पहला गुनाहगार कैप्टन शाहनवाज खान। सर, दूसरा गुनाहगार लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लों। और तीसरा गुनाहगार है कैप्टन प्रेम कुमार सहगल। तुम तीनों का इतना मजाल कि तुम जज को सलामी भी नहीं करना होता? क्या तुम्हारे फौज में सलामी नहीं होती? हम केवल अपनी मातृभूमि और नेताजी को सलामी देते हैं। गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र पढ़ा जाए। सर, गुनाहगार नंबर IC 58-1/14 पंजाब रेजिमेंट का कैप्टन शाहनवाज खान। गुनाहगार नंबर IC 336-1/4 पंजाब रेजिमेंट का गुरबख्श सिंह ढिल्लो। गुनाहगार नंबर IC 226-2/10 बलूच रेजिमेंट का कैप्टन प्रेम कुमार सहगल। सर, इन तीनों ने हिंदुस्तान के राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ा और बगावत किया। This war against the king.
माय लॉर्ड, दूसरा गुनाह इंडियन आर्मी एक्ट के दफा 41 के तहत सिर्फ लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने 6 मार्च 1945 का दिन बर्मा में पोपा हिल के आसपास हरि सिंह का कत्ल किया, जो कि ताजरात हिंद की दफा 302 के तहत गुनाह है। सर, तीसरा इल्जाम सिर्फ कैप्टन प्रेम कुमार सहगल पर लगाया जाता है। कैप्टन सहगल ने हरि सिंह के कत्ल के लिए लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लों को उकसाया। अबेटमेंट ऑफ क्राइम इंडियन आर्मी एक्ट का दफा 31 और ताजरात हिंद की दफा 109 के तहत जुर्म है। सर, चौथा इल्जाम सिर्फ लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर लगाया जाता है। इन्होंने पोपा हिल के आसपास धूली चंद का कत्ल किया, जो कि ताजरात हिंद दफा 302 के तहत जुर्म है। सर, पांचवा इल्जाम सिर्फ प्रेम कुमार सहगल पर लगाया जाता है। इन्होंने धूली चंद का कत्ल के लिए उकसाया। इंडियन आर्मी एक्ट का दफा 48 और ताजरात हिंद दफा 109 के तहत जुर्म है। सर, छठा इल्जाम ताजरात हिंद दफा के तहत सिर्फ लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर लगाया जाता है। इन्होंने पोपा हिल के आसपास दरियाब सिंह का कत्ल किया। सर, हमारे सारे राज दुश्मनों तक पहुंचाने वाले का पता चल चुका है। कौन है वो गद्दार? दरवान सिंह, और गद्दार की सजा होती है मौत। और गद्दार को मारना हत्या नहीं होती। सर, सातवां इल्जाम सिर्फ कैप्टन प्रेम कुमार सहगल पर लगाया जाता है। इन्होंने दरियाब सिंह के कत्ल के लिए उकसाया। ये जुर्म इंडियन आर्मी एक्ट और ताजरात हिंद के तहत जुर्म है। आठवां इल्जाम गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर लगाया जाता है, जिन्होंने 6 मार्च 1945 को पोपा हिल पर धर्म सिंह का कत्ल किया, जो कि दंडनीय अपराध है। चार्ज नंबर 9। नवा इल्जाम इंडियन आर्मी एक्ट का दफा 41 और ताजरात हिंद दफा 109 के तहत कैप्टन प्रेम कुमार सहगल पर लगाया जाता है, क्योंकि इन्होंने धर्म सिंह का कत्ल का वास्ते उकसाया। सर, दसवां और आखिरी इल्जाम शाहनवाज खान पर लगाया जाता है। इन्होंने 29 मार्च 1945 को पोपा हिल का आसपास मोहम्मद हुसैन का कत्ल के लिए खाजिन शाह और आया सिंह HKS RAK को तैयार किया। यह जुर्म ताजरात हिंद का दफा 109 और 302 के तहत काबिले सजा है। फौजी अदालत का कार्रवाई आज के लिए खत्म किया जाए। आजाद हिंद फौज के तीनों अफसरों पर अंग्रेजों की अदालत में आरोप पत्र दाखिल होते ही सारे देश में इसकी प्रतिक्रिया की गूंज सुनाई देने लगी। जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गए और एक बार फिर से सारा हिंदुस्तान हमारा नारा जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। यस ऑफिसर्स, आप अपने लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं उसके बारे में जान चुके हैं, और आपको कुछ अपनी सफाई में कहना है। मैं कैप्टन शाहनवाज खान इंडियन नेशनल आर्मी अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम से इनकार करता हूं। मैं अंग्रेज फौज का अफसर नहीं। मैं न केवल अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को झूठा मानता हूं, बल्कि इस अदालत को चुनौती भी देता हूं कि मेरे ऊपर लगे हुए सभी आरोप इस अदालत क्षेत्र के बाहर के हैं। हम आजाद हिंद फौज के मान्यता प्राप्त सिपाही हैं। हमने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन आप लोगों ये जंग किसके लिए लड़ता था? अपने वतन की आजादी के लिए। फिर तुम लोगों ने खुद को फौज के हवाले क्यों किया? क्यों सरेंडर किया? इसका जवाब तो जज साहब खुद जानते हैं। अगर आप तीनों को रिहा कर दिया जाए तो क्या सरकार से वफादारी करोगे? हम केवल वफादार हैं अपने देश के लिए, जीते जी और मर कर भी। और हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी आजादी के लिए। वाह शाहनवाज वाह, क्या बात कही है। सेगर ढिल्लो शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज। अंग्रेजों को जाना होगा, भारत देश आजाद होगा। जय हिंद। माय लॉर्ड, अभियोजन पक्ष की ओर से यानी कि प्रोसिक्यूशन की ओर से
इल्जामात को साबित करने के लिए कुछ दलीलें पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। You may proceed, Mr. Engineer. इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड ये तीनों भारतीय सेना के कमीशन ऑफिसर हैं और महामहिम सम्राट के प्रति वफादार रहने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। इसलिए ये तीनों इंडियन आर्मी एक्ट के अधीन है। इसलिए माय लॉर्ड एक बात काबिले गौर है, ये तीनों सेना के ऑफिसर होने के साथ साथ भारत के नागरिक भी हैं और इसलिए इन पर ताजे रातें हिंद की सारी धाराएं लागू होती हैं और मैं अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ गवाह दस्तावेज पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। आजाद हिंद फौज के मुकदमे 30 गांव पे। सुनो करीम भाई सुनो, एक सरकारी वकील हमारे जियालों के खिलाफ हत्या का आरोप लगा रहा है, देश द्रोही का आरोप लगा रहा है। लगा ले बेटा लगा ले, और जो लगा ले, लेकिन हमारे वीरों का क्या कर लेगा। चलो ये तो मालूम पड़ा, आजाद हिंद फौज हमारी देश की सेना थी। इस मुकदमे का ये तो फायदा हुआ। पता कैसे होता, मेरी बात कभी मानी? जब मैं कहता था तो लोग मुझे पागल समझ के हंसते थे। अब मैं हंसूंगा। लेकिन एक बात मेरी करीम भाई सुन लो, अगर तीनों वीरों में से एक का बाल भी बाका हुआ ना, तो यहाँ पर एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा। ये जग्गू की आवाज नहीं, ये सारे देश की आवाज है। दिलन कभी तुमका दाढ़ी होता है, कभी क्लीन शेवन होते हो, उसका राज क्या है? इसका मतलब है चेंज, यानी कि परिवर्तन, इंकलाब। ऑर्डर, मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप डिफेंस का कार्रवाई शुरू कर सकता है। जैसा मैं डिफेंस कमेटी यानी कि बचाव पक्ष का सदस्य हूं, हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि इस मुकदमे की पैरवी फूला भाई देसाई साहब करेंगे। ही इज अवर सीनियर काउंसिल। थैंक यू। ओके मिस्टर फूला भाई देसाई, यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। सर सबसे पहले मैं सरकारी वकील का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो इसलिए कि इन्होंने अपनी दलील में कहा कि आरोपी आजाद हिंद फौज में जाने से पहले भारतीय सेना के अधिकारी थे और आजाद हिंद फौज का गठन भी सेना के बंदियों को लेकर हुआ जज साहब, इसलिए इन पर इंडियन आर्मी एक्ट लागू होता है। आप कहना क्या चाहते हैं, ये बात तो सब जानते हैं। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आजाद हिंद फौज का अपना एक अलग अस्तित्व है जिसे मेरे दोस्त वकील इंजीनियर साहब ने माना, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर आरोप पक्ष की ओर से लगाए गए इल्जामात सब बेबुनियाद हैं और आरोपियों ने भारत के महामहिम सम्राट के खिलाफ कोई जंग नहीं छेड़ी, बल्कि मान्यता प्राप्त सुनियोजित अंतरिम सरकार आजाद हिंद की ओर से छेड़ी गई। और रही हत्याओं की बात, ये जंग का एक हिस्सा है जज साहब। आज तक कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हत्याएं नहीं हुई? इसलिए जज साहब हत्या और हत्या के लिए उकसाने के सारे इल्जामात बेकार हैं, बेबुनियाद हैं। जज साहब आजाद हिंद एक सरकार थी जिसको राज्य स्तर प्राप्त था, उसका अपना एक झंडा, अपना एक निशान था और जिसे कई राज्यों की मान्यता प्राप्त थी। कई राज्यों ने ही नहीं जज साहब, कई देशों ने मान्यता दी थी और इसी मान्यता प्राप्त सरकार की सेना का नाम था आजाद हिंद फौज। मैं इस बात को साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज आपको पेश करना चाहता हूं। दो आजाद देश अगर आपस में जंग करते हैं और उस जंग में लोग मारे जाते हैं, तो किसी भी देश की फौज का कोई फौजी उस कानून के अंतर्गत नहीं आता जिसके अंतर्गत ये मुकदमा चलाया जा रहा है। तीनों आरोपियों का बयान दर्ज किया जाए।
जब मैं अंग्रेज फौज में था तो अंग्रेजी सरकार का वफादार था, लेकिन जब मेरी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई तो मैंने अपने देश को एक हिंदुस्तानी की नजर से देखना शुरू किया। फिर मेरे सामने सवाल खड़ा हुआ आजादी और साम्राज्य का। तब मैंने नेताजी को यकीन दिलाया कि अपने वतन पर जान कुर्बान करने से पीछे कभी नहीं हटूंगा। मैं देहरादून अकेडमी में अंकित उन शब्दों को याद करता हूं जिन पर लिखा था कि अपने देश का सम्मान और उसकी सुरक्षा ही सर्वोपरि है। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी सेना का निर्माण किया जाए जिससे विदेशी शासन से हमें मुक्ति मिल सके, और ये सेवा हमें नेताजी की आजाद हिंद फौज से प्राप्त हुई। जब अंग्रेजी सेना और अंग्रेजी सरकार हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो हमसे वफादारी की आशा कैसी? बहुत सही कहा जज साहब। मुझे खुशी है कि अदालत ने हमारे सबूत और सारी दलीलें शांति से सुनी, इसीलिए हम सच सामने रख पाए। लेकिन मैं दावे के साथ ऐलान करता हूं कि इस अदालत में जो कार्रवाई हुई है वो गैर कानूनी है। इट इज एब्सोल्युटली इललीगल। जगो, आज अखबार में दिया है कि भोला भाई देसाई ने अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पे वो करारा तमाचा मारा है जिसकी गूंज सारे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। नहीं जगो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेटे रहो तुम। मैं अभी नहीं मरूंगा, मुझे लाल किले पर अपने अपने देश का तिरंगा देखना है। 29 दिसंबर 1945 को जज एडवोकेट ने मुकदमे की कार्यवाही को समाप्त किया और निष्कर्ष दर्ज करने का हुक्म दिया। भोला भाई देसाई द्वारा बचाव पक्ष की दलीलों का आरोप पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। पूरे मुकदमे में दी गई दलीलों और पैरवी से पूर्ण रूप से यह सिद्ध हो चुका था कि बचाव पक्ष सही है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने अपनी फितरत दिखा ही थी और अंग्रेजी न्यायालय ने तीनों आरोपियों को सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन देश निकाला, पद से बर्खास्ती तथा शेष वेतन और भत्ते ना देने का दंड दिया। अदालत का यह आदेश कमांडर इन चीफ के पास पुष्टि के लिए भेज दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने सारे देश में इस सजा के विरोध को एक तरह से गांधी और नेहरू की अहिंसक आजादी की लड़ाई के समानांतर समझा और फिर 3 जनवरी 1946 को उन्हें देश निकाले की सजा से मुक्त कर दिया। आप तीनों ऑफिसर्स को ये कोर्ट रिहा करती है। और उसके बाद हमें क्या करना होगा जज साहब? जिस तरह आजाद लोग भी किधर भी आ जा सकते हैं, उस तरह तुम भी कर सकते हो। अगर दिल्ली में कोई अपना है तो उनके पास जा सकते हो, या लाहौर जाना हो तो रेलगाड़ी का सरकार प्रबंध कर देंगी। सैगल ढिल्लो शाह नवाज लाल किले से हुए आजाद। सैगल ढिल्लो शाह नवाज लाल किले से हुए आजाद। आप लोग हमारी तरह आप भी सिपाही हैं इस देश की आजादी के। हमारी जय जयकार मत कीजिए, जय जयकार करनी है तो देश की कीजिए। बोलिए जय हिंद जय हिंद। इस मुकदमे का अंत देश में आजादी की मशाल लेकर आया। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर यूनियन जैक की जगह भारत के तिरंगे को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। जग्गू, पंडित जी ने लाल किले पे तिरंगा फहरा दिया। जग्गू, हमारा देश आजाद हो गया। जग्गू, हमारा देश आजाद हो गया। नेताजी का सपना आज पूरा हो गया। हाँ जग्गू, हाँ हाँ हाँ, आजाद हिंद फौज का सपना पूरा हो गया। हाँ जग्गू। जय हिंद।